जो 26 डॉक्टर हैं कुंभ में, उनके सबके एक बार नाम बता दो और कहाँ कहाँ। कहीं जैन गुरुओं का आशीर्वाद तो नहीं रहा इतने परिवार में 26 डॉक्टर हो गए हैं? और आगे आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी होगी। उन्होंने लूट लिया, डॉक्टर डाकू हैं। क्योंकि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता, तो फिर वो उस लेवल का डॉक्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल है। लोग जेब काट कर ये मतलब दान करते हैं। हाँ, ये शायद भावना कॉरपोरेट में ज़्यादा है कि वहाँ बायसनेस होती है, फिर सभी जानते हैं आजकल नीट के एग्जाम को पास करना आसान नहीं रहा। ये देखो, हमारे को तो तकलीफ हो रही है और डॉक्टर फीस ले रहे हैं। पिछले 20 साल देखें तो समाज में जमीन आसमान का अंतर आ गया। दोस्तों नमस्कार, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है, खासकर उन छात्रों के लिए जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन अभिभावकों के लिए भी खास है जो कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। डॉक्टर डे पे वीडियो है। हमारे देश में 1 जुलाई को डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की याद में डॉक्टर डे मनाया जाता है। तो मैं हरियाणा के जींद ज़िले में हूँ और एक ऐसे कुनबे की स्टोरी लेकर आया हूँ कि एक कुनबे में 25 डॉक्टर हैं। शायद यह हरियाणा का इकलौता ही ऐसा कुनबा होगा कि जिसमें 25 डॉक्टर आजकल हैं। डॉक्टर साहब 25 हैं, 26 हैं? हाँ, लग 26 हो गए। हाँ, अब 26वां हाँ। डॉक्टर अब की बार एंट्रेंस हुआ है। जी, ठीक जी, है जी। तो अब 26 हो गए, 26 हो गए। मैं लिस्ट में देख रहा था कि 26 डॉक्टर एक ही कुनबे के हुए हैं, ये बड़ा रिकॉर्ड है और इतिहास है। आज हम डॉक्टर साहब से पूरे विस्तार में बातचीत करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। और ये कुनबा, मैं बता दूँ, जींद के जो एक प्रतिष्ठित समाज सेवी रहे हैं कुंदन लाल जैन जी, उनका ये कुनबा है। साथ उनके बच्चे थे, उनके बच्चों ने किस तरह से मतलब डॉक्टरी पेशे को चुना और एक एक करते 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 आज संख्या 26 तक पहुंच गई। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और डॉक्टर साहब से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवाता हूँ, मेरे साथ हैं डॉक्टर अनिल जैन, जींद शहर के वरिष्ठ सर्जन हैं, और डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, वरिष्ठ दंत सर्जक हैं, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन और हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और फिजिशियन हैं। फिजिशियन तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताओ, शुरुआत कैसी हुई घर में? मतलब पिताजी पढ़े लिखे थे, मम्मी कितनी पढ़ी लिखी थी? थैंक यू गिल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी एक इतनी सुंदर और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए। जी वैसे तो मेरे पेरेंट्स, मदर और फादर जी, मैं कहूँ कि फॉर्मल एजुकेशन उनकी कोई नहीं थी, वो इलिटरेट थे। अच्छा, माता पिता दोनों अनपढ़ थे? दोनों ही इलिटरेट थे जी, लेकिन उनकी लगन बहुत थी कि बच्चे कुछ ऐसा करें जिससे परिवार का, गांव का, समाज का नाम रोशन हो जी, ठीक है, और इनका भी जीवन सुधरे और ताकि ये समाज में भी कुछ सुधार ला सके। डॉक्टर साहब, अभी एक थोड़ा ये जानकारी दे दें कि अभी तो फैमिली पूरी जींद में रह रही है, लेकिन बेसिकली गांव कौन सा अपना? हमारा जींद जिले के उचाना ब्लॉक में कुचराना कला गांव है जी। बेसिकली वी आर फ्रॉम दैट विलेज जी, और मतलब लगभग 1965 में हम जींद माइग्रेट हो गए थे। आपका जन्म जींद में हुआ, गांव में हुआ? नहीं, मेरा गांव में हुआ जन्म, गांव में हुआ। हाँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले परिवार में डॉक्टर कौन बने थे? हमारे परिवार में सबसे पहले हमारे बड़े भाई डॉक्टर आर बी जैन, जो अभी भी पीजीआई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पीजीआई रोहतक। हाँ, रोहतक में एज ए सीनियर प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जी, तो वहाँ पे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 78 से लगातार 2022 लगभग 44 साल हो गए उनको उस मेडिकल कॉलेज में। जी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ना वो जो 26 डॉक्टर हैं कुनबे में, उनके सबके एक बार नाम बता दो और कहाँ कहाँ तैनात हो, सबकी लिस्ट आपके पास है? जी है तो बड़ा एग्जॉस्टिंग काम, ठीक है, 26 और 26 के ही है। और एक अच्छी बात यही है कि कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक है, कोई होम्योपैथी है, सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जी, सब MBBS, हाँ, सब BDS, MBBS, MD डॉक्टर्स हैं जी, ठीक है। तो डॉक्टर आर बी जैन से इस वटवृक्ष की शुरुआत हुई थी, फिर इसकी शाखाएं, फिर इसके पत्ते, ठीक है जी, और फिर आगे आगे टहनियाँ निकलती गई। डॉक्टर आर बी जैन रोहतक में हैं, ठीक है, फिर डॉक्टर ज्ञान जैन हैं जो 93 से जींद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उससे पहले रोहतक में थे, दिल्ली में थे, ठीक है, फिर उनके घर से डॉक्टर रीटा हैं, वो प्रोफेसर एंड हेड हैं और साथ में प्रिंसिपल एंड डेंटल कॉलेज की, ठीक है। डॉक्टर, फिर मैं, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर मीनाक्षी आपकी धर्मपत्नी? हाँ, मेरी धर्मपत्नी, ठीक है, हम जींद में, हमारे साथ में ही बैठी हैं। हाँ, 22 सालों से जींद में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे पहले रोहतक में, ठीक है जी। और उसके बाद डॉक्टर दिनेश जी,
वो दिल्ली में हैं, वो डेंटल सर्जन हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर श्रुति जी, ठीक है, वो भी दिल्ली में हैं। डॉक्टर नवदीप हैं जी, ठीक है, वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं जी हरियाणा गवर्नमेंट में। डॉक्टर सनल जी, डॉक्टर आलोक, डॉक्टर वेंकटेश, डॉक्टर रॉबिन, डॉक्टर रुचि जी, डॉक्टर रूबी जी, डॉक्टर वत्सल, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल, ये आरएमएल हॉस्पिटल में हैं, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हैं जी, ठीक है। डॉक्टर आरुषि, ये भी दिल्ली में हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं। डॉक्टर तमन्ना, ये आई स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। डॉक्टर पूजा, ये मेडिसिन की स्पेशलिस्ट हैं, आरएमएल में ये सीनियर रेजिडेंट हैं। डॉक्टर आनंद, ये भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, आरएमएल में ही दिल्ली में हैं जी। और डॉक्टर तमन्ना, डॉक्टर प्रांजलि, मुदित जी, डॉक्टर सौरभ, साहिल जी, तन्मय जी, इस करके इस तरह से, हाँ, डॉक्टर जानवी, ठीक है। इनमें तीन चार बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं एमबीबीएस में, और एक दो साल में भी वो अपनी मंजिल को पार कर लेंगे जी। तो डॉक्टर साहब, ये बताओ कि सबसे पहले आपने बताया कि आपके बड़े भाई साहब डॉक्टर आर बी जैन पहली बार डॉक्टर बने थे परिवार में, और मम्मी पापा दोनों अनपढ़ थे जी। कैसा उन्होंने मतलब क्या मतलब सूत्र दिए, क्या टिप्स दिए कि पूरा परिवार आगे से आगे डॉक्टर बनता चला गया, किस तरह की प्रेरणा उन्होंने दी? उनका बहुत ही, डॉक्टर आर बी जैन को मेरे ख्याल में जींद जिले के कोई भी जो इस फील्ड में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता है जी, ऐसा बंदा नहीं है जो उनको नाम से ना जानता हो। उनका पूरा नाम वैसे रामविलास जैन है, लेकिन रामविलास जैन के नाम से उनको कोई नहीं जानता, डॉक्टर आर बी जैन के नाम से उनको सारे जानते हैं जी, जी। तो वो मतलब उन्होंने सिर्फ सूत्र दिया, ईमानदारी से फोकस्ड रह के मेहनत करो जी, और कोई सूत्र नहीं, ईमानदारी से अपने आप पे आप मतलब संकल्प करो, अपने आप में डिटर्मिनेशन करो भी मैंने ये काम करना है, और उसको जब आपने एक एम गोल बना लिया तो उस पर उतनी ईमानदारी से मेहनत करो तो आप उस गोल को आराम से अचीव कर सकते हो, अचीव कर सकते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जैन हैं। मैडम, आपसे थोड़ा पूछते हैं कि हर रोज़ जो हर साल जो नीट का एग्ज़ाम होता है, लाखों बच्चे बैठते हैं लेकिन कुछ हज़ारों की संख्या में ही बच्चों का चयन हो पाता है, कितना मुश्किल है, कितना टफ है डॉक्टर बनना? देखो, ये तो सभी जानते हैं आजकल नीट के एग्ज़ाम को पास करना आसान नहीं रहा, बहुत हाई लेवल का डेडिकेशन, परसिवरेंस, लगातार पढ़ाई, मतलब बिल्कुल फोकस रह के बच्चे जो पढ़ते हैं सिर्फ वही एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं जी। उसके बिना इस एग्ज़ाम को पास करना आज की डेट में आसान नहीं। आज से 10 साल पहले अलग सिनेरियो था, बट आज जो है वो पूरी लगन से, मतलब वो उसको अपना सारी चीज़ें सोशल मीडिया और सारे कहीं घूमना फिरना वो छोड़ के पूरा एक साल की अगर बच्चा मेहनत करे तो वो जरूर निकाल सकता है जी। एक, अब तो ये तो फैमिली हमने सारी बातचीत कर ली, सवाल ये है कि आजकल अच्छे डॉक्टरों की कमी क्यों हो रही है? देखो, जैसे मटेरियलिस्टिक हमारा, आप अगर पिछले 20 साल देखें तो समाज में जमीन आसमान का अंतर आ गया जी। तो बच्चा जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं शायद वो मेहनत कम करना चाहते हैं जी। मेरा ये मानना है, जो सिर्फ पूरे डेडिकेशन के साथ और इस प्रोफेशन को एज अ प्रोफेशन नहीं, एक प्रोफेशन प्लस समाज सेवा मान के चले जी। और ईमानदारी से काम करे तो बच्चा बिल्कुल एक अच्छे डॉक्टर बन सकता है। लेकिन अगर उसमें मेहनत करने में थोड़ा कसर रखता है कि भाई बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता तो फिर वो उस लेवल का डॉक्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल है जी। डॉक्टर ज्ञान की, डॉक्टर को तो भगवान का दर्जा कहते हैं कि डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप है, मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता है, लेकिन आजकल वो जो एक छवि थी वो टूट रही है, क्या कारण है? इसमें कई पहलू हैं, इसमें एक तो जितने ये क्वैक्स झोला छाप डॉक्टर जो बढ़ रहे हैं जी, उनकी वजह से भी डॉक्टरों की छवि थोड़ी सी नीचे हुई है, और लोगों में भी थोड़ा सा यूँ भ्रम एक फैला हुआ है जी, कि हम किसी अच्छे डॉक्टर से या एमडी डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है जी। तो जब खर्चा इस इलाज के साथ एसोसिएट हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि देखो हमारे को तो तकलीफ़ हो रही है और डॉक्टर फीस ले रहे हैं जी। तो इस वजह से धीरे धीरे लोगों में ना इस तरह की एक भावना पनप गई है जी। डॉक्टर साहब, ये जो इन्होंने बताया कि भाई प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना बहुत महंगा हो गया है आजकल, और आदमी ना ये सोचता है कि सरकारी अस्पताल में जाया जाए, क्या एक्चुअल में ही इलाज इतना महंगा है या डॉक्टर पैसे के पीछे ज़्यादा भाग लिए हैं? देखो,
इसमें कोई दोराई नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है या टाइम बदल रहा है, इलाज तो महंगा हुआ है जी, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ जिस कस्बे में या जिस शहर में हम यहाँ बैठे हुए हैं जींद में, और ये प्राइवेट छोटे नर्सिंग होम्स हैं, कोई मतलब 20 बेड का है, कोई 25 बेड का है, कोई 15 बेड का है, इनमें फिर भी आम आदमी अपना इलाज थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च करके और सुगमता से जो फैसिलिटी यहाँ पे है करवा सकता है। लेकिन इलाज इसमें कोई औचित्य नहीं है भाई कि इलाज बहुत महंगा हो गया है। बड़े शहरों में जाने से जो इलाज यहाँ पे 5,000 रुपये में या 2,000 रुपये में होता है, तो वहाँ 10 से 15 या 20,000 रुपये लगते हैं, तो वो जो कि आम आदमी के बस की बहुत ही मुश्किल हो जाता है आम आदमी को, और उसके बस से बाहर हो रहा है। तो सरकारी का सिस्टम ये है क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़ी है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे रिसोर्सेज, तो ह्यूमन पावर, टेक्निकल जो स्किल्ड ह्यूमन पावर है वो इस स्पीड से नहीं बढ़ी, तो इस कारण वहाँ पे इतना प्रेशर वो टॉलरेट नहीं कर पाते या इतनी सुविधाएं सबको दे नहीं पाते, इसलिए लोगों को प्राइवेट सेक्टर्स में आना पड़ता है जी। मैडम, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो MBBS करना बहुत महंगा हो गया है और 80 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक MBBS करते हैं और फिर अपना हॉस्पिटल लोन लेके अपना हॉस्पिटल बनाते हैं, क्या इसके लिए तो डॉक्टर ने इलाज महंगा नहीं कर दिया, वो फीस भी पूरी करनी है और फिर वो उसको हॉस्पिटल की किस्तें भी निकालनी होती हैं उसको? आप ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो, जो बच्चा, अब डॉक्टर में नहीं कहती मैं, आप इन जनरल देखो, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिज़नेस स्टार्ट करने में उसको 40-50 लाख या करोड़ जितना भी, मतलब वो जिस लेवल का कर रहा है, अगर वो उसमें इतनी इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ समय के बाद वो रिकवरी अर्न कैसे करेगा, ठीक है ना, अपनी लाइफ चलाने के लिए तो अर्न तो करना पड़ेगा ना, सिस्टम को सेट करने के लिए उसको उसके एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, रनिंग कॉस्ट भी निकालनी है, प्लस कुछ अर्निंग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर, ठीक है मैं मानती हूँ, उनको एक समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करनी है, तो खर्चा तो नो डाउट। और आजकल के टाइम में मैं ये कहूँगी, देखो जो स्मॉल स्केल हॉस्पिटल्स हैं, लाइक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 15-20 बेड के हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशली जैसे छोटी जगह में, स्टिल आज की तारीख में भी दे आर मोर अफोर्डेबल एज़ कम्पेयर टू द बिगर हॉस्पिटल्स। जब आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो कॉस्ट यहाँ पे सेम ट्रीटमेंट की होती है उसकी कॉस्ट जो है 10 times होती है जी। तो स्मॉल स्केल लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर स्टिल अफोर्डेबल टू द जनरल पब्लिक, आज भी बहुत सस्ते हैं। अगर आप वही ट्रीटमेंट का अगर आप यहाँ पर 2,000-4,000 देते हैं तो कॉस्ट उसकी 10 times हो जाती है जी। प्लस आजकल के टाइम में हॉस्पिटल रन करना इतना ईजी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट से इतनी सारी आपको टैक्सेस होते हैं, प्लस आजकल जो NABH का एक्रेडिटेशन लेना पड़ता है तो उसके लिए आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तो उन स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको हॉस्पिटल की मेंटेनेंस है, रनिंग कॉस्ट है, आपका स्टाफ है, तो उसके लिए आपको एक क्वालिटी अगर इलाज की देनी है तो वो कॉस्टली तो थोड़ा सा होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि वो कॉस्ट जो आजकल कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसके मुकाबले बहुत कम है। तो अगर बिल्कुल ही, अब गवर्नमेंट ने भी देखो जो पुअर पेशेंट्स हैं, जो पुअर पब्लिक के लिए, उसके लिए आयुष्मान की स्कीम लागू करी है, तो वो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बून है। जो कोई सर्जरी नहीं करा सकता, सपोज उसको प्रॉब्लम है, गॉल स्टोन है या हर्निया है, और वो उसके लिए वो पैसे खर्च नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जो भी उसके लिए एलिजिबल पर्सन हैं तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है, हमारे पास हो रहा है, तो हम ये देखते हैं, हम बड़े खुश होते हैं कि देखो मरीज को अपना एक पैसा नहीं लगाना पड़ा और उसकी इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो गया। तो गवर्नमेंट, उसमें डॉक्टर्स का भी फायदा है और पेशेंट का सबसे बड़ा फायदा है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। एक और बात है कि आजकल जो बच्चे MBBS कर लेते हैं, MD कर लेते हैं, उसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी की तरफ कम जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़े पैकेज मिल रहे हैं या फिर विदेशों की तरफ भाग रहे हैं, तो ये रुझान क्यों है कि प्राइवेट की तरफ भी पैसा ज़्यादा है, पैकेज ज़्यादा है इसीलिए? देखो, इसमें कोई दोराय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ लोगों का ज़्यादा जाना, तो मेन कारण ये है कि भी पैसा उसमें कंपेरेटिवली ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी स्ट्रेस लेवल, उनके वर्किंग आवर्स वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्योंकि बंदा यंग होता है उसमें एनर्जी होती है, ठीक है, और डायनामिसिटी होती है, तो इस वजह से वो सोचता है मैं दिन में भी काम करूं, रात में भी काम करूं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक लिमिट है, आपको 6 घंटे या 8 घंटे काम करना होता है। और फिर भी गिल साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ,
गवर्नमेंट का भी ऐसा हाल है कि 3000 डॉक्टर इंटरव्यू में बैठते हैं, रिटन टेस्ट में बैठते हैं, उनमें से 700-800 ही ले जाते हैं, 2200 उसमें भी रह जाते हैं। अब गवर्नमेंट में भी ये धीरे धीरे नौकरियां बिल्कुल एग्जॉस्ट होने जा रही हैं। और आप डेंटल का तो हालात आप देखते ही होंगे, 10-12 सालों से हार्डली 10 डॉक्टर उन्होंने डेंटल के नहीं अपॉइंट किए, ठीक है। और इसी यही हालात आगे आगे गवर्नमेंट सर्विसेज की है, इस ये भी कारण है कि लोग अपना पहले ही जुगाड़ कर रहे हैं, भाई अपना अरेंजमेंट पहले ही कर रहे हैं कि प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी और प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं जा रहे वो, उनको वो एक सेटल्ड अपना फ्यूचर सेटल करने के लिए भी वो जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक है ना, जो डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया है वो उसमें छवि में कुछ ना कुछ असर तो पड़ा है, छवि में कुछ ना कुछ असर तो पड़ा है। एक आम लोगों के बीच में जब हम बैठते हैं, जब डॉक्टरों की बात चलती है, तो हर आदमी ये कहता है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, भाई हर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी खुद की एक वहाँ फार्मेसी की दुकान होती है और उससे मोटा कमीशन डॉक्टर को मिलता है, उसके खर्चे सारे उसी से निकल जाते हैं। तो इस तरह की बातें मतलब समाज में लोग कहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप समाज का आईना है, क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं और जो सच्चाई है जो हमें कई बार रिफ्लेक्ट नहीं होती क्योंकि पेशेंट की कई मजबूरियां हैं, हमारे सामने डिस्क्लोज नहीं कर पाता। लेकिन गिल साहब, इसमें मतलब वास्तव में ये ठीक बात है कि ओवरऑल मोरलिटी जो समाज की है, हम अपने परिवार में ही देखें, जो रिस्पेक्ट पहले बड़ों की थी, जो बच्चे पहले रिस्पेक्ट करते थे पेरेंट्स की, ठीक है, अपने बुजुर्गों की, अब वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो दर्जा जो भगवान का था वो दर्जा अब ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भी लेकिन मैं कहता हूँ जो ठीक काम करते हैं उनको फिर भी समाज बहुत रिगार्ड करता है, क्योंकि 22 साल से हम जींद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम भी देखते हैं लोगों ने हमें इतना प्यार स्नेह और सब कुछ दिया है। दूसरी बात, आपने कहा अभी जो ये मतलब खर्चे हैं और ये कमीशन देते हैं और दवाइयों का मैटर जो है, मैं इसमें मेरी एक सजेशन थोड़ी सी यही है कि गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा स्टेप अप करना चाहिए, क्योंकि ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी जो है वो टोटल गवर्नमेंट के अंडर में है। जैसे जेनरिक को कहते हैं, जेनरिक ड्रग्स लिखो, जेनरिक पे आप 10 रुपए की दवाई पे MRP 100 रुपए है या 200 रुपए है, तो वो डॉक्टर के हाथ में तो है नहीं, वो केमिस्ट के हाथ में, वो 10 रुपए की दवाई को 20 में देगा, 200 में देगा, 150 में देगा। तो गवर्नमेंट शुड स्टेप इन, अगर भी उसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसी हो वो लोगों को एक ठीक अल्टरनेट उस सिस्टम में मिल जाए ताकि महंगा ना लगे। जी ठीक है सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ज्ञान जी, एक ये बताइए कि आम लोगों के बीच में जैसे इतने लोग आप लोग ठीक करते हो, बीमार लोगों को कराते हैं, क्या डॉक्टर भी बीमार होते हैं? बिल्कुल, डॉक्टर भी आम इंसानों की तरह बीमार होते हैं जी। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स को ये पता होता है थोड़ा जी, बहुत जी, जो ये भाई बीमारी से कैसे बचें, जो आम कॉमन बीमारियां हैं उनसे कैसे बच के रहें जी। जैसे पर्टिकुलरली मेरा दांतों का फील्ड है जी, भाई दांतों की बीमारी से बहुत आसानी से कोई भी आदमी लाइफ लॉन्ग बचा रह सकता है जी, प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा सा इसकी हाइजीनिक कंडीशंस को फॉलो करे जी। अगर ऐसे करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को पता है वो अपनी कर पाता है इसलिए वो बीमार कम होता है जी। जिनको नहीं पता वो इस भ्रम में रहते हैं कि बीमारी तो लगती ही है जी, तो इसलिए वो ज़्यादा बीमार होते हैं। मैडम, एक सवाल ये है कि आजकल सोसाइटी में हर छोटे से बड़ा आदमी, चाहे बिजनेसमैन और डॉक्टर हो, हर आदमी चिंता से, अवसाद से, इन चीज़ों से ग्रस्त रहता है। डॉक्टर का जो पेशा है बड़ा जोखिम भरा हो गया है, हम देखते हैं कि कई बार किसी मरीज की जान चली जाती है, डॉक्टर पर हमला हो जाता है। कितना चुनौतीपूर्ण है डॉक्टरी पेशा, और क्या डॉक्टर भी इस तरह से चिंता से, अवसाद से ग्रसित रहते हैं? एक स्टडी हुई है, इंटरनेशनल स्टडी हुई है, जिसमें कि ये पाया गया है कि डॉक्टर्स जो हैं मोस्ट स्ट्रेस्ड पर्सन है जी। उनमें डिप्रेशन की, सुसाइडल टेंडेंसी उनमें ज़्यादा है, क्योंकि उनको राउंड द क्लॉक अगर कोई पर्सन काम कर रहा है तो हमेशा, अब पिछले 20 सालों में जो चेंज आया कि स्ट्रेस लेवल, आप पेशेंट को एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, समाज की डॉक्टर्स के पेशे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आज कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार हूँ, उसको पता है कि मेरी बीमारी किस लेवल की है, बट बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि कितनी भी समस्या हो लेकिन मैं ठीक होना चाहिए, आम आदमी की जो सोच है। तो डॉक्टर्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, वो भगवान नहीं है जी। उसने सिर्फ एक पढ़ाई करी है, उसने सिस्टम को जाना है और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ में जो बेस्ट पॉसिबल है वो पेशेंट के लिए करता है जी। देखो, डॉक्टर ने जैसे कहा ना, समाज बदल रहा है, तो वो हर सेक्टर में बदल रहा है। स्टिल मैं ये कहती हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, चाहे गवर्नमेंट का है चाहे प्राइवेट का है, डॉक्टर्स का पेशा आज भी सबसे नोबल
पेशा है। एक स्टडी और हुई है कि लोग किस पे भरोसा ज़्यादा करते हैं, चाहे गवर्नमेंट के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे लेवल के एक दुकानदार हैं या कोई भी एक रिलेशन है, उसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है वो डॉक्टर है। क्योंकि मरीज जब अपनी तकलीफ लेके जाता है ना तो वे सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, देखो 99% देखो 100% तो भगवान भी नहीं, कोई भी इंसान 100% नहीं दे सकता, लेकिन जो मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं वो ट्रुथफुली पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी नॉलेज है, जो स्किल है, जो साधन कहीं पर भी है, चाहे वो छोटे स्केल के डॉक्टर हैं या बड़े स्केल के डॉक्टर हैं, वो अपने हिसाब से कभी भी उसके दिमाग के कोने में भी नहीं होता कि मैं मरीज का बुरा करूं। वो हमेशा अपनी पॉसिबिलिटी से बेस्ट करना चाहता है। लेकिन समाज है, बदल रहा है, समय बदल रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बदल रही हैं, तो हम भी एक भगवान नहीं है लेकिन भगवान का दिया हुआ एक हमारे पास एक कह सकते हैं एक स्किल है कि हम दूसरों की तकलीफ बीमारी दूर कर सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल करते हैं। कुछ एक देखो 1% तो कहीं ना कहीं हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ लोग होते हैं जो किसी और मन में भावना को रख के मरीज का इलाज करते हैं, या ये शायद भावना कॉरपोरेट में ज़्यादा है कि वहाँ बायसनेस होती है ट्रीटमेंट को लेकर। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ एट लार्ज मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि भाई हमारे तरफ से किसी का बुरा ना हो, हम जितना कर सके पेशेंट के बेटरमेंट के लिए कर सके, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उसको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि आपका यहाँ पे ज़्यादा अच्छे इलाज हो सकता है, यहाँ ज़्यादा भला हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैडम ने बताया कि देखो कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी जब कोई मरीज़ आता है और जब वो डॉक्टर उसको ठीक कर देता है, और जब मरीज़ ठीक होता है, जब उसको ये लग भाई मरने को था और वो स्वस्थ हो गया है, डॉक्टर को कितनी खुशी मिलती है? मरीज़ को तो खुशी मिलती है, उसका परिवार भी खुश होता है, डॉक्टर को कितनी खुशी हो जाती है उस टाइम पे? डॉक्टर को डबल कर दीजिए, मान लो 100% खुशी मरीज़ को या उसके परिवार को या उसके संबंधी गणों को हुई है, तो डॉक्टर को उस खुशी का 200% यानी कि डबल खुशी होती है। उसको भी और हौसला भी मिलता है, उसको इनकरेजमेंट भी मिलती है भी आगे भी मैं एक सीरियस मरीज़ का इलाज कर सकता हूँ यदि साथ में सब लोग सारी टीम साथ दे। क्योंकि ये एक बेसिकली टीम वर्क होता है, पेशेंट है, उसके अटेंडेंट हैं, स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं। और गिल साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें कोई दोराय नहीं है कि भी आजकल के जो प्रिपेक्स में, आजकल के माहौल में भी डॉक्टरों की रेपुटेशन, जो ट्रस्ट था, जो फेथ था, वो कम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। लेकिन इसमें दोनों बातें हैं, डॉक्टरों को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। कुछ हो सकते हैं कुछ लोग हमारे अंदर भी ऐसे हों, क्योंकि वो एक जो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। इस तरह की रेपुटेशन, क्योंकि एक आदमी ने किसी के साथ ठीक नहीं किया तो उसकी वो सोचता है सारा समाज, सारा फ्रेटर्निटी या सारी मेडिकल प्रोफेशनल ही ऐसे ऐसे करते होंगे। तो हमें भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और ईमानदारी से, ठीक है, ऑनेस्टली जो पेशेंट की बेनिफिट में हो वो काम उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करना चाहिए। और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरा भी 22 साल की प्रैक्टिस का तजुर्बा है, और जींद एक थोड़ा सा हार्ड एरिया भी कहते हैं क्योंकि यहाँ थोड़े से रफ एंड टफ लोग हैं, ठीक है। तो यदि आप ईमानदारी से और आपकी इंटेंशन ठीक है तो मेरे ख्याल में कोई झगड़ा लड़ाई या कोई मुकदमे केस परमात्मा की कृपा से यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी नहीं हुए हैं, और यदि डॉक्टर की इंटेंशन ठीक हो तो होते भी नहीं, होते भी नहीं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है और हर आम आदमी के बीच में उसकी चर्चा रहती है कि भाई डॉक्टर ये कहते हैं भाई धूम्रपान ना करो, शरीर को नुकसान होता है, और आप शराब का सेवन ना करो। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि मैक्सिमम डॉक्टर बीड़ी भी नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं, और मैक्सिमम डॉक्टर कभी भी आप पार्टी में देखो तो लिकर का इस्तेमाल करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। ऐसा क्यों है? दूसरों को क्या संदेह है सर? खुद नहीं? नहीं, इसमें कोई दोराय नहीं है। जिस बात को हम फॉलो नहीं, खुद नहीं करते, हम उसको प्रीच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो खुद पर शासन फिर अनुशासन, ठीक है। एक हमारे जैन गुरु की एक बहुत अच्छी वो है, तो लाइन है, तो इससे समाज पे तो असर पड़ता ही है। क्योंकि जो बात हम तो दारू पी रहे हैं और पेशेंट को कह रहे हैं भाई तूने दारू नहीं पीनी है, ठीक है। लेकिन ये मतलब आजकल जैसे समाज बदल रहा है, आजकल नई जनरेशन इसमें आ रही है, तो हो सकता है कि जो इंडिविजुअल लाइकिंग्स हैं। लेकिन मैं गिलचा आपको अश्योर करवा रहा हूँ, हमारी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने बच्चे हमारे और डॉक्टर हैं और इस फील्ड में भी हैं, इवन IAS भी हैं और भी हैं, तो कोई बच्चा, ठीक है, पीनी तो अलग बात है,
ठीक है, वो मतलब मैं कहता हूँ उस कंपनी में भी ज़्यादातर पसंद नहीं करते बैठना, ठीक है। ये भी मतलब बड़े बुजुर्गों की और उसकी कृपा रही है, गुरु भगवान की कृपा रही है कि बचाव रहा है। डॉक्टर साहब एक सवाल मन में अभी खटका, आपने जैन गुरुओं का नाम लिया और जैन स्थानक में भी मैंने आपको भी देखा है, मैडम को भी देखा है लगातार, कहीं जैन गुरुओं का आशीर्वाद तो नहीं रहा? इतने परिवार में 26 डॉक्टर हो गए हैं, कितना आशीर्वाद, कितना मानते हो आप इसको? भी देखो इंसान की मेहनत तो है, आप मेहनत करिए पढ़ाई, लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद कितना मानते हो? नहीं, इसमें आशीर्वाद गुरुओं का पूरा पूरा है, क्योंकि सीटें देखो 16 लाख बच्चों ने अपीयर होते हैं, 16 लाख बच्चे अपीयर हुए, 16 लाख बच्चों में यदि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की सीटें माने तो सिर्फ 60,000-70,000 सीटें हैं MBBS की, ठीक है सर। तो उसमें मेहनत करने वाले, मैं नहीं मानता 16 लाख में से 2-4 लाख जरूर बच्चे मेहनत करते होंगे, तो सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का हो पाता है जिनके ऊपर मेहनत के साथ साथ समाज की भी दुआएँ होंगी, ठीक है, उनकी भी कृपा होगी और गुरुओं की भी कृपा होगी, तो ही काम मतलब पूरा गोल जब भी बनेगा। अकेली मेहनत से काम नहीं बनता है, क्योंकि भाग्य का साथ होना या गुरुओं की कृपा होनी, बड़ों का आशीर्वाद होना भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। जी बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने। मैडम डॉक्टर डे है और उसी उपलक्ष्य में हम बात करें, मन की बात आखिर में आपकी। देखो मैं यही कहूँगी समाज को कि अब हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, हर किसी को, डॉक्टर्स को भी, समाज को भी, और हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको भी। डॉक्टर्स को भी देखना है कि एक लिमिट के बाद होता है कि ठीक है अब इतना हो गया, अब आप अपने पॉजिटिव तरीके से काम कीजिए। समाज को भी समझना पड़ेगा कि हर जो आजकल इंसिडेंस होती है उसमें डॉक्टर्स की गलती नहीं होती। मैं एक बात कहना चाहूँगी जो अभी राजस्थान के दौसा में हुई है, उसमें एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, तो बड़ी बहुत दुख पहुंचता है। कभी ये सोचते हैं कि ये प्रोफेशन जिसमें कभी आप मतलब मरीज जो है ठीक होने के बाद बड़ी इज्जत दिया करते थे, और जीना मरना डॉक्टर के हाथ में कुछ हद तक है, 100% नहीं है, वो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश करता है। समाज को भी आज ये सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर इस तरह की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हुई तो जो बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं, ये इंसिडेंस एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करती है मेडिकल फ्रेटर्निटी में, कि आजकल हम भी ये सोचें कि हम बच्चे को रिस्क वाले प्रोफेशन में क्यों डालें, कि अगर कल को वो मेहनत करने के बाद भी उसके बाद कोई इस तरह के इंसिडेंस हो तो आगे आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर की बहुत कमी होगी। क्वैक्स के जरिए रहना पड़ेगा, या फिर आप कॉरपोरेट में जाएगा समाज, तो वो बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि आगे आने वाले समाज में हमारे लिए भी या किसी के लिए भी अच्छे डॉक्टर्स की कमी हो, और गवर्नमेंट को भी सिस्टम को भी थोड़ा डॉक्टर को सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब वही बात मैं आज आपको दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ, मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं दे आर वेरी गुड एट हार्ट, वो अपनी तरफ से सभी का बहुत अच्छे से भला करना चाहते हैं और चैरिटी भी करते हैं। आज अगर मैं बात कहूँ तो अगर हम टोटल चैरिटी की बात करें, एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, हमारे जैसे जो आपने भी बात करी जैन साधु की, तो उनकी एक मोबाइल वैन है जो कि टोटली फ्री, और मोबाइल में वो इलाज करते हैं। तो डॉक्टर्स अभी भी आज के तारीख में भी सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं जो उनके बस में होता है। केवल पैसे से ही नहीं होती, आपके प्रोफेशन से भी चैरिटी होती है कि आप किसी को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हो, किसी को फ्री एडवाइस कर रहे हो, ऑन द वे भी आप किसी को हेल्प करते हो, आप कहेंगे हमें। लेकिन लोग तो ये कहते हैं लोगों की जेब काट कर ये मतलब दान करते हैं। देखो किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जा सकता। मुझे ये बताओ कि कौन सा कोई एक भी आप प्रोफेशन मुझे ये बताओ कि कौन ऐसे जो बिना पैसे लिए काम करता है, मुझे एक बता दो। थोड़ा ये बताइए कि जैसे मैडम ने बात हुई पैसे वाली, क्या सरकारी जो डॉक्टर हैं उनका वेतन कम है? सिस्टम को मैडम ने कहा कि रिवाइज होना चाहिए, क्या सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर का वेतन बढ़ना चाहिए ताकि सरकारी की तरफ भी, सरकारी नौकरी तरफ डॉक्टर आकर्षित हों? नहीं बिल्कुल, तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए ताकि उनका एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जरूर होना चाहिए। दूसरे पैसों से क्या कम है? नहीं नहीं, अब इसमें कोई दोराय नहीं कि डॉक्टरों की तनख्वाह दूसरे पैसों से बहुत अच्छी है, दूसरों से ज़्यादा है, लेकिन उनकी मेहनत और उनका स्ट्रेस लेवल देखते हुए तो इसमें उनके सेटिस्फेक्शन के लेवल तक हमें मुमकिन उनकी तनख्वाहें, उनके भत्ते वगैरह, अलाउंसेस वगैरह करने चाहिए ताकि वो मन लगा के और बिना किसी उसके करप्शन के, और करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं है, जो काम नहीं कर रहा है, मान लो पैसे ले रहे काम नहीं कर रहा, वो भी एक करप्शन है, या वो अपने अपने बंदों का काम कर रहा है, दूसरे समाज के जो लाइन में लास्ट लोग हैं, ठीक है, अंतिम पंक्ति में जो
अंतिम आदमी है उसका काम नहीं हो रहा, वो भी एक करप्शन है। तो वो चीज़ें दिमाग में ना आए, वो भी अपने ईमानदारी से और स्वस्थ दिमाग से अपने समाज की सेवा कर सके, तो तनख्वाहें तो बढ़नी चाहिए। और सेकंड बात ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को देखो चलाने के लिए, गिल साहब आपने कहा इतने सारा सिस्टम नॉर्म्स स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो खर्चा ज़रूर होता है उसमें। गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसीज आई हुई हैं, ठीक है, ये आयुष्मान भारत है या कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं ये पब्लिक को बिल्कुल सिंसियरली एडवाइज़ करता हूँ, जैसे हम गाड़ी का, स्कूटर का, बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, उनकी तो देखो लिमिटेड वैल्यू है, जीवन की तो कोई वैल्यू लिमिटेड है नहीं, ठीक है, वो मतलब अनमोल चीज़ है, तो उसका भी जरूर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स भी, डॉक्टरों ने लूट लिया, डॉक्टर डाकू हैं, इस तरह की समस्याएँ कम आ सकें, ठीक है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर की तरफ, या गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी देनी चाहिए जैसे BPL के लिए, ऐसे APL के लिए भी, अबव पॉवर्टी लाइन्स के लिए भी कोई पॉलिसी, यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाए, आप किसी हॉस्पिटल में इलाज कराओ आपका ट्रीटमेंट इंश्योरेंस कंपनी कराएगी, मतलब कैशलेस सिस्टम होगा, ताकि डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम ना हो और पेशेंट को भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह की जो मन में दुर्भावना है भी डॉक्टरों ने लूट लिया या डॉक्टर डाकू हैं, वो कम से कम हो सके, कम से कम हो सके। तो ये दोस्तों आपने पूरी बातचीत सुनी, जींद के समाज सेवी रहे हैं स्वर्गीय कुंदनलाल जैन जी, और उनकी धर्मपत्नी सरस्वती जी, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारी माता जी का नाम सरस्वती था, और वो इलिटरेट जरूर थी, अनपढ़ जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के आशीर्वाद से, माता पिता की दुआओं से, सरस्वती की कृपा हुई, एक ही परिवार में 26 डॉक्टर हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल इसी तरह की अच्छी वीडियो लगातार आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।